हेलो। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर पीसीसी चीफ एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जनटीवी से मुखातिब हुए। इस दौरान डोटासरा ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने अच्छा काम किया, जिसकी सराहना देश भर में मिली। शिक्षा विभाग में नवाचार के साथ ही कई अहम फैसले हुए जो बेरोजगारों के लिए आवश्यक थे। क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, आइए आपको सुनाते हैं। गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को कई सौगातें दी। इस मौके पर हमारे साथ दो बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं। डोटासरा जी, अगर बात करें सरकार के 2 साल के कार्यकाल की, किस तरह देखते हैं इस कार्यकाल को? देखिए, विपरीत परिस्थितियों में 2 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पहला साल था वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग उग चुके थे, आक्रोश था, सभी वर्गों में निराशा थी, वित्तीय कुप्रबंधन भी था, तो ये चीजों को निपटने में समय लगा। और दूसरी साल आते आते पहले ही मार्च में ही कोरोना आ गया, जिसकी वजह से जो है वो न तो केंद्र ने सहयोग किया, न इनकम ऑफ सोर्स स्टेट के एकदम से बंद हो गए, सब चीजें हमको कोरोना में संक्रमण से रोकने के लिए झोंकनी पड़ी। फिर भी आप देखिए कि आज शिलान्यास और उद्घाटन 1350 के लगभग कामों का होना, छोटे छोटे काम बाकी बच गए हैं, और बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दा हो, चाहे किसानों को जो छूट देने की बात हो, उनकी ऋण माफी की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, बिजली के मामले में जो पैसे नहीं बढ़ाने वाले किसानों की बात हो, किसानों को कुआं खोदने की, ट्यूबवेल खोदने की परमिशन देने की बात हो, जन सुनवाई को लेकर के कैबिनेट में बड़ा फैसला करने की बात हो। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम गाँव में प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान भी अब आने वाले समय में चलाएंगे। तो ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि सरकार पूरी जवाबदेही के साथ काम कर रही है, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, और जन भावना के अनुरूप काम कर रही है, और जनता के जो आशा और विश्वास है उसके ऊपर खड़े उतर रही है। दूसरा बड़ा सवाल, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा क्षेत्र में आपने बड़े नवाचार किए और 31,000 का एक तोहफा आपने बेरोजगारों को दिया है इस मौके पर, किस तरह देखते हैं शिक्षा विभाग में किस तरह के नवाचार डिपार्टमेंट में हुए हैं आपकी तरफ से, और ये जो तोहफा दिया है बेरोजगारों को, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो तोहफा नहीं है, उनका हक है बेरोजगारों का, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि हम आपको नौकरियां देंगे। ये कोरोना की वजह से हम 8-9 महीने लेट हो गए, वरना हम रीट पहले ही करा देते और बजट में घोषणा भी कर दी थी। आपको पता होगा कि जब फरवरी मार्च में हमने घोषणा कर दी तो निश्चित रूप से जल्दी करना था, लेकिन मार्च में ही ये कोरोना आ गया, इसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। अब जो राजस्थान के युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे तवज्जो मिले, वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कैसे मिले? कांग्रेस के आप कप्तान हैं, हालांकि हाल ही के चुनाव में हुआ, निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष हैं या पदाधिकारी उनको बड़ी जिम्मेदारी आपकी तरफ से दी गई। अब जो पीसीसी का गठन होना है, आपने तमाम नेताओं से चर्चा की है, क्या वो एक लिस्ट आएगी, उसमें तमाम नेताओं को बराबर का हिस्सा मिलेगा, सबको अपनी जगह मिलेगी, जो नेता काम कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के लिए? देखिए, जो संगठन में काम करने की रुचि रखता हो, संगठन में ईमानदारी से काम करता हो, और संगठन में पदाधिकारी बनने के बाद में कांग्रेस के उस तमाम वर्कर जिनकी बदौलत हम यहाँ सरकार में आते हैं, उनका मान और सम्मान और उनके काम करें, ऐसे नेताओं को पीसीसी में जगह मिलनी चाहिए। और हमारे प्रस्ताव इसी तरह के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए होंगे जो संगठन को समझते हों, संगठन में रुचि रखते हों, पार्टी के लिए काम करते हों, पार्टी के प्रति लॉयल्टी रखते हों, पार्टी की विचारधारा में पूरी तरह विश्वास रखते हों, और अपने आप को समर्पित करके और कंधे से कंधा मिला करके लोगों के बीच में रह करके राजस्थान सरकार की जो अच्छी योजना है उनको लोगों तक, अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों के बीच में दुख दर्द में वो शामिल होंगे, तो इस तरह के कार्यकर्ताओं को संगठन में तवज्जो मिलेगी। जैसा कुछ गोविंद सिंह डोटासरा बता रहे हैं कि सरकार ने बेहतरीन काम किया। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।